राहुल, पूरा दिन भर की थकान मोदी जी की एक चाय की चुस्की में चली जाती है। मुझे तो खेत से थकार कर एक ही चीज नजर आती है, चाय की दुकान। पता है राहुल, पहले मोदी जी की चाय हम पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान थी, वहां पर पीने के लिए जाते थे। अब तो इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा कर दी है, ऑटो रिक्शा में चाय की दुकान खोल ली है और ऑटो रिक्शा जगह जगह रोक कर खड़े हो जाते हैं, चाय बनाने लगते हैं। इस बात से तो योगी जी मैं 100% आपसे सहमत हूँ। वैसे मोदी जी एक बात बताओ, क्या बचपन से आप चाय बना रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये कल परसों से मैंने चाय बनाना चालू की है? चाय का मेरा बहुत पुराना धंधा है। अरे अब तो ऊपर वाले की कृपा मैंने ऑटो रिक्शा ले लिया है, ऑटो रिक्शा में चाय बना के इधर उधर बेचता फिरता हूँ। पहले तो मैं घर चाय बनाता था और केतली में जगह जगह लोगों को पिलाता फिरता था। वैसे मोदी जी, क्या स्कूल के बच्चों के लिए कॉपी रखना शुरू कर दी तुमने? कॉपी बहुत रखी है आपकी ऑटो रिक्शा पर। अरे ये कॉपी बेचना थोड़ी शुरू कर दी, इसमें उधार लिखा हुआ है। सबसे ऊपर वाली कॉपी राहुल की है, राहुल पर बहुत उधार हो गया है। अरे मोदी जी, कितना उधार हो गया है इसके ऊपर? पूरे 10 लाख की चाय पी चुका है ये मुझसे। इतने कॉपी में पेच नहीं है जितना लंबा इसका उधार है। दूसरी कॉपी बनाना चालू कर दी मैंने इसकी। अरे राहुल, उधार देता क्यों नहीं है? अरे इतनी लंबी चाय उधार पीता है, 10 लाख की चाय पी गया तू। तेरा तो 2 बीघा वाला खेत बिक जाएगा तो भी कर्जा नहीं चुका पाएगा मोदी जी का। और मोदी जी, ये सबसे नीचे वाली कॉपी मोटा वाला रजिस्टर किसका है? ज्यादा बातें मत बनाओ योगी जी। अरे ये रजिस्टर आपका है, आप मुझसे 16 लाख की चाय उधार पी चुके हैं। सबसे बड़ा उधार तो आप ही के ऊपर है मेरा। अरे मेरा 50 लाख रुपए का उधार चाय में फैला पड़ा है। अगर मैं नगद चाय बेचता तो मुझसे ज्यादा कोई अमीर नहीं होता। लेकिन क्या बताऊं, मैं रहम दिल हूं, कोई भी आता है चाय पीने के लिए मैं उसे पिला देता हूं। बात को कहता है वो पैसे कल ले लेना। जैसे योगी जी आप ही हर दिन कहते हैं कि मैं कल पैसे दूंगा, कल दूंगा। पता नहीं आपका कल कब होगा, मुझे पैसे चाहिए, आज पैसे दो। क्या योगी जी, तुम्हें क्या जरूरत थी कॉपी बेच रहे हो ये पूछने की मोदी जी से, जबकि तुम्हें मालूम है ये उधार के रजिस्टर हैं। अब मोदी जी को उधार का ध्यान आ गया, अब वो उधार लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। जल्दी भागो चाय पी के यहाँ से। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे अखिलेश, जोर से धक्का लगवाओ ऑटो रिक्शा में। पता नहीं किसी गड्ढे में फंस गया ऑटो रिक्शा, पता ही नहीं चल रहा है पानी के अंदर। इतनी बारिश हुई है, रोड पर घुटनों पर पानी हो गया है। अखिलेश तुम पता नहीं कैसे धक्का लगा रहे हो, अरे जोर से धक्का लगाओ। अरे योगी जी, और कैसे धक्का लगाऊं, पूरी ताकत से तो लगा रहा हूं मैं। पता नहीं तुम्हारा ऑटो रिक्शा कहां पर किस गड्ढे में फंस गया, पानी के अंदर कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। मुझे लगता है ये अपना दोनों के धक्के से नहीं निकल पाएगा, किसी और को बुलाओ। वो देखो मोदी जी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, उन्हें रोको। अरे मोदी जी, मोटरसाइकिल रोकना, जरा रोकना, यहीं पर रोक लो। जी योगी जी बोलो, क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई ऑटो रिक्शा में, ये कैसे धक्का लगा रहे हो? अरे मेरा ऑटो रिक्शा पानी के अंदर किसी गड्ढे में फंस गया, अखिलेश और मैं धक्का लगा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहा है। आप मोटरसाइकिल से उतर के धक्का लगा दो ऑटो रिक्शा में। अरे योगी जी, कैसी बेतुकी बात करते हो, इतने पानी में मैं अपनी मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करूँ? मोटरसाइकिल को खड़े करते ही इंजन में पानी भर जाएगा, मैं मोटरसाइकिल खड़ी नहीं करूंगा भाई। वो देखो नानू जी और राहुल आ रहे हैं पढ़ाई करके, उनसे धक्का लगवा लो अपने ऑटो रिक्शा में, वो लगा देंगे धक्का। अरे राहुल राहुल, लालू जी क्या बात है योगी जी, बताओ। सब कुछ कहना लेकिन ऑटो रिक्शा में धक्का लगाने को मत कहना। अरे यही तो कह रहा हूँ, मेरा ऑटो रिक्शा पानी में गड्ढे के अंदर कहीं फंस गया है, आ जाओ धक्का लगवा दो। अखिलेश मैं धक्का लगा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, हल्का सा सहारा लगा दो बस। ज्यादा दिमाग खराब तो करो मत योगी जी, एक तो स्कूल की वैसी छुट्टी हो गई, आना जाना मुश्किल पड़ गया क्योंकि पूरे स्कूल में पानी भरा हुआ है। मैं तो धक्का नहीं लगाऊंगा भाई किसी हाल में। अरे लालू जी कैसी बात करती हो, ऐसी बात नहीं करती है, कभी मुसीबत में तुम भी फंस सकती हो। अरे राहुल तुम तो लगा दो धक्का, आओ ऑटो रिक्शा में लगा दो धक्का। एक शर्त पे धक्का लगाऊंगा, अगर आपका ऑटो रिक्शा जब बाहर निकल जाए पानी से तो मुझे घर तक छोड़ के आओगे, बोलो तो धक्का लगाऊंगा आपके ऑटो रिक्शा में। चलो आ जाओ धक्का लगा लो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जी आपकी क्या शर्त है आप बताओ? मेरी ये शर्त है कि अकेले धक्का तुम ही लगाना, ये लालू जी धक्का ना लगाएं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ मना कर दिया मुझे धक्का लगाने से। और घर तक मैं तुम्हें अकेले छोड़ के आऊंगा, लालू जी को नहीं छोड़ के आऊंगा, समझे? और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।